विकास एक गोकार्ट रेसर था। वो रोज प्रैक्टिस करता था। उसे इंडिया के लिए गोकार्टिंग करनी थी। उसके पास अपनी खुद की गोकार्ट थी। वो एक बहुत ही बड़े परिवार का लड़का था। बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी मॉम। अगले महीने तुम्हारी नेशनल लेवल की रेस है, राइट पापा? सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और प्रैक्टिस भी। मुझे उम्मीद है मैं जरूर जीतूंगा। बहुत अच्छे, तुमसे हमें यही उम्मीद है बेटा। विकास के मम्मी पापा चाहते थे कि वो एक दिन बहुत बड़ा गो कार्टर बने। मनोहर जी एक बिजनेस टाइकून थे। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। तुरंत ही उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मनोहर जी की तबीयत अब ठीक तो है, पर शायद वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों डॉक्टर? अटैक की वजह से उनका दायां भाग पैरालाइज्ड हो गया है। अब वो हमेशा बेड पर ही रहेंगे। विकास और मीना ये बात सुनकर चौंक गए। मनोहर जी के हार्ट अटैक की बात सनसनी केस खबर बन गई और मिनटों में उनके शेयर सर्श से फर्श पर गिर गए। शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गई। मनोहर जी की गैर हाजिरी में दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम संभाला, पर वो कुछ ना रोक पाए। रातों रात उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंक ने उनके घर, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी सब सीज कर ली। सिवाय विकास के गोकार्ट के बाकी सब सीज हो चुका था। विकास और मीना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। विकास अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर रहने चला गया। बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ माँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे दोस्त ने हमें ये घर रहने दिया है, पर हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते बेटा, हमें कुछ तो करना होगा। पर माँ, हम क्या कर सकते हैं? तेरे पापा और मैंने हमारी जिंदगी की शुरुआत एक ढाबे से की थी। एक ढाबे से हमने होटल बनाया, होटल से कई होटल, और फिर ये पूरी एम्पायर बनी। हमें भी बहुत छोटा स्टार्ट करना होगा। जी माँ। मैं तुझे खाना तो बनाकर दे दूंगी, पर तुम इसे बेचोगे कैसे? विकास सोचने लगा। क्यों ना तुम एक हाथ गाड़ी खरीद लो। गोकार्ट कैसी रहेगी माँ? गोकार्ट पे खाना? हाँ, अब तक नहीं सुना ना? ये करते हैं, मुझे उम्मीद है ये नया आइडिया काम करेगा। ठीक है। मीना ने अपने जिंदगी की शुरुआत बहुत छोटी की थी। अब जिंदगी वापस उसे वही ले आई, पर उसे यकीन था कि वो सब कुछ फिर से ठीक कर देगी। अगले ही दिन से मीना ने खाना बनाना शुरू किया। विकास ने अपने गोकार्ट पर डिब्बे लगाए और फिर सारा खाना उन डिब्बों में भर लिया। विकास, वेज थाली 100 रुपए और चिकन थाली 150 रुपए। ठीक है माँ। और याद रहे, कस्टमर से हमेशा मुस्कुरा कर बात करना। जी माँ। मीना ने विकास को हिदायत की और फिर विकास निकल गया। वो अपनी गोकार्ट लेकर एक बड़े कॉलेज के बाहर गया और उसने बोर्ड लगा दिया, वेज थाली 100 रुपए और चिकन थाली 150 रुपए। ये क्या है, तुम गोकार्ट पे खाना बेच रहे हो? आर यू सीरियस? हाँ, आई एम डैम सीरियस। मुझे एक वेज थाली देना। उस लड़की ने विकास को 100 रुपए दिए और वेज थाली खरीद ली। उस लड़की को देख कई और लोग खाना खरीदने आ गए और सभी ने विकास के गोकार्ट के साथ फोटोज भी खिंचवाए। जब यहाँ के ग्राहक खत्म हुए तो विकास अपने गोकार्ट लेकर एक मॉल के बाहर गया। यहाँ भी उसने वही बोर्ड लगाया। बोर्ड देखकर कुछ लोग उसके पास आए। एक वेज थाली देना भाई, मुझे एक चिकन। विकास ने दोनों को खाना दिया। कमाल। उस आदमी ने खाना खाते खाते रील्स बनाई और गोकार्ट ढाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगले दिन मीना ने दुगना खाना बनाया और विकास एक बार फिर गोकार्ट पर खाना लेकर निकला। आज भी वो उन्हीं जगहों पर गया, पर आज ज्यादा भीड़ थी। सभी लोगों को खाने के साथ साथ गोकार्ट ढाबे के साथ फोटोज खिंचवाने थे। क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की भी विकास के गोकार्ट पर बैठ गई।
और उसने फोटो ले लिया और सोशल मीडिया पर डाल दी। अगले दिन विकास की ये फोटो एक बिजनेसमैन ने देखी। ये तो मनोहर जी का बेटा है, सेक्रेटरी विकास जी को फोन लगाओ। विकास ने फोन उठाया। विकास, मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड बलजीत बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पे देखी है, क्या माजरा है बेटा? विकास ने उस आदमी को सारा किस्सा बताया। जब मेरी कंपनी डूब गई थी तो तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया था और आज मैं इतनी ऊंचाइयों पे उन्हीं की वजह से हूँ बेटा। तुम्हारे पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूँ। बलजीत ने डॉक्टरों से बात की और मनोहर जी को US ले जाया गया। वहाँ उनका एक नैरो ऑपरेशन हुआ और उनका पैरालिसिस ठीक होने लगा। ये न्यूज इंडिया के न्यूज चैनल पर छाने लगी और फिर एक बार मनोहर जी के कंपनी के शेयर्स बढ़ने लगे। सब कुछ ठीक हो रहा था। एक महीने बाद मनोहर जी अपने पूरे परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आए। लगभग उन्हें अपना सब कुछ वापस मिल गया था। तुमने ये सब कैसे किया? मुश्किल के समय हमें जो ठीक लगा हमने किया। हमने गोकार्ट ढाबा खोलने का आइडिया मिला और फिर हमें बलजीत अंकल मिले, उनकी वजह से ये सब ठीक हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, आपने सालों पहले मेरी मदद की थी। आज जिंदगी ने मुझे मौका दिया आपका एहसान चुकाने का। सही कहते हैं लोग, जिंदगी बहुत छोटी है, ना जाने कब कौन सी अच्छाई तुम्हारे काम आ जाए। मनोहर जी का परिवार सारी समस्याओं से उठ खड़ा हो गया। उन्होंने ये सोचा न था, पर मीना के मन में हौसला था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और शायद भगवान ने इसलिए उसका साथ दिया, वरना सिर्फ एक गोकार्ट ढाबा से भला इतना सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। मनोहर जी और उनके परिवार के अच्छे कर्म उन्हें काम आए, इसलिए अच्छाई बांटती जानी चाहिए।